हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्टडी वाइज चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारत की प्रमुख झीलों से संबंधित फैक्ट लेकर आए हैं। इसके अंतर्गत हम भारत की झीलें किस राज्य में स्थित है उसको हम ट्रिक के साथ याद करेंगे। ये प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और आगामी परीक्षाओं में भी इनके आने की प्रबल संभावना रहती है। तो झीलें आमतौर पर लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं कि वो किस राज्य में है, इसलिए इसको आसानी से और सहज ढंग से कैसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं, इसको याद रखने का तरीका है ट्रिक, और ट्रिक के माध्यम से इनको हम याद रख सकते हैं। वीडियो आप लोग पूरी तरह देखिएगा और देखने के बाद यदि अच्छा लगे तो इसको वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और यदि सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो एक एक कर हम इन झीलों को देखते हैं। पहला है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में स्थित है। तो यहाँ चिल्का में से देखिए चील वर्ड निकल के आ रहा है, उड़ीसा में से उड़ी, तो जिस प्रकार से चील उड़ती है उसी प्रकार से चिल्का को उड़ीसा से बैठा लीजिए। नेक्स्ट है वेम्बनाद झील, केरल में स्थित है। वेम्बनाद में से बम की आवाज़ निकल रही है, ध्वनित शब्द, और केरल में से रेलवे की, तो जिस प्रकार से दो रेलवे टकराते हैं तो उनसे लगता है बम जैसी आवाज़ कहीं भयानक हुई है। नेक्स्ट है अष्टमुडी, अष्टमुडी अष्ट माने आठ, मुडी माने मुड़ी, केरल में से रेल हो गया तो रेलवे मुड़ मुड़ के जाती है, सीधी नहीं जाती है, तो आठ जगह कौन मुड़ती है मान के चलिए रेलवे। नेक्स्ट है चोलामू, चोलामू झील है सिक्किम में। चोलामू में से देखो चेला निकल के आ रहा है, और इसमें देखिए सिक्किम में से सीखना, तो चेला जो है गुरु से बहुत कुछ सीखता है, तो चोलामू सिक्किम हो गया। नेक्स्ट है सुखना, सुखना कहाँ है चंडीगढ़ में, तो चंडी दुर्गा को भी कहते हैं। सुखना में से सुख निकल के आ रहा है, तो एक भक्त है जो दुर्गा या चंडी माता के सामने प्रार्थना करता है कि माँ मुझे बहुत सुख नहीं है, कष्ट है, इसलिए मुझे सुख प्रदान करने की कृपा करें। नेक्स्ट है कांजली, कांजली में से जली वर्ड निकल के आ रहा है, जली पंजाब में से पंजा, तो किसी का पंजा जल गया, तो कांजली पंजा। नेक्स्ट है रूप कुंड उत्तराखंड, तो रूप कुंड में से रूप निकल के आ रहा है, उत्तरा में से उतर गया, यानी किसी का रूप किसी के मन में उतर गया। नेक्स्ट है देवताल, ये उत्तराखंड में है, तो देव माने देवता की मूर्ति कहाँ है ताल में, किसी ताल है पोखरा है उसी में किसी के देवता की मूर्ति लगी हुई है और उसी का दर्शन करने के लिए लोग उतर रहे हैं ताल में। नेक्स्ट है हुसैन सागर, तो हुसैन में से शयन शब्द निकल के आ रहा है, शयन मान लीजिए हुसैन, तेल लगाना में से तेल लगाना, तो कोई व्यक्ति तेल लगा लिया तो उसको बहुत तेजी से नींद आ रही है तो वो सो रहा है। नेक्स्ट है खजियार, खजियार नेक्स्ट है खजियार, तो खजियार हिमाचल में, तो खजियार खजियार को खोजना से याद रखिए, तो हिमाचल माने कोई हेमा लड़की है उसकी कोई सहेली है तो उससे कह रही है हिमाचल कोई किताब खोजा जाओ, किताब मिल नहीं रही दुकान पे, कहा चल के कहीं किसी और दुकान पे देखते हैं। नेक्स्ट है लोनार, ये महाराष्ट्र में स्थित है। लोनार में से नार वर्ड, नारा, नारा लगाना, किसका नारा लगाया जाता है, जो राष्ट्र महान होता है, महान राष्ट्र उसका लोग नारा लगाते हैं। नेक्स्ट है जयसमंद, जयसमंद राजस्थान में है, तो जय पराजय किसकी होती है राजा की होती है, तो जयसमंद राजस्थान में है। नेक्स्ट है पुलिकट, पुलिकट दो राज्यों की सीमा पर स्थित है, आंध्र और तमिलनाडु। आंध्र में से आ अक्षर लेंगे, तमिलनाडु में से तो आता हो गया, तो लोग पुल से आते जाते रहते हैं, यानी आता पुल से। नेक्स्ट है लोकटक, ये मणिपुर में है, तो लोकटक में से लोक शब्द आ रहा है, कटक में से अटक, यानी लोक अटका हुआ है, तो लोक माने जनता, जनता किस पर ध्यान लगाई हुई अटकी हुई है मणि पर, मणि बहुत कीमती चीज़ है तो हर कोई इसे पाना चाहता है, इसे लोक अटका हुआ है मणिपुर। नेक्स्ट सांभर जयपुर, तो सांभर झील के राजस्थान में है, तो इसमें जिला कभी कभी पूछ लेता है इसलिए जिले से इसको बैठाएंगे, तो सांभर माने साल भर, इसको बैठा लीजिए साल भर, जो साल भर पढ़ाई करेगा उसकी क्या होगी जय होगी, विजय होगी, तो सांभर झील जयपुर में है राजस्थान।
नेक्स्ट है कोलेरू, आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो कोलेरू में से काला वर्ड निकल के आ रहा है, आंध्र प्रदेश में तो अंधा, तो काले आदमी को सब कुछ अंधा अंधकार में दिखता है। नेक्स्ट है पोगांग, लद्दाख, लद्दाख को गद्दे से बैठे गद्दाख। तो पोगांग मन पूरी तरह गंगा में गद्दे को धुल लीजिए, पोगांग पो मनी पूरी तरह गंगा में धुलाई, क्या धुलाई, लद्दाख या गद्दाख गद्दे को। पोवाई, पोवाई वर्ड है तो पोवाई है महाराष्ट्र में, तो पोवाई में से पाव निकल रहा है, तो बड़ा पाव कहाँ लोग यूज करते हैं ज़्यादातर, महाराष्ट्र में, पोवाई महाराष्ट्र। नेक्स्ट है पुष्कर, पुष्कर कहाँ है, राजस्थान में। पुष्कर में से पूछ कर, तो राजा के पास कोई किसी को मिलना होता है, तो राजा का जो गेटमैन होता है, गेट कीपर, वो राजा से पूछता है कि मिलने आए हैं, तो राजा आदेश देता है तो मिलने की संभावना बनती है, तो यानी राजा से पूछ कर ही कोई मिल सकता है। नेक्स्ट है फूलहर, कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। फूलहर तो इसमें हर माने हरा, हरा फूल, तो हरे फूल का प्रदेश उत्तर प्रदेश, ऐसे बैठाइए, हरे फूल का प्रदेश उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है ओस्मान झील, कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में आती है। जिस तो आंध्र प्रदेश में, आंध्र हो गया आंध्र अंधा, ओस्मान आसमान, जिस प्रकार आसमान अनंत होता है उसकी कोई सीमा नहीं है, इस प्रकार अंधे आदमी के लिए अंधकार की कोई सीमा नहीं होती, सब तरफ अंधकार ही अंधकार चारों तरफ दिखता है। नेक्स्ट है हरिके, हरिके बैराज या हरिके झील पंजाब में स्थित है। हरिके में से हरि भगवान निकल के आ रहे हैं, पंजाब में से पंजा, तो इसमें हुआ कि हरि भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके अपने पंजे से हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया, तो हरि में से हरि भगवान, पंजाब में से पंजा, तो भगवान हरि ने, विष्णु ने हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए नरसिंह अवतार धारण किया था और पंजे से मार डाला था। नेक्स्ट है बिहार झील, तो बिहार झील है महाराष्ट्र में, तो बिहार बिना हार का, यानी हारे हुए राज्य को क्या कहते हैं, महाराष्ट्र, वो राज्य जो किसी से नहीं हारता हो उसे महाराष्ट्र कहते हैं, तो बिहार बिना हार का राष्ट्र कौन है, महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है गोविंद सागर झील, तो गोविंद सागर झील पंजाब में स्थित है, तो इसको सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, तो उनके नाम पर यह झील पड़ी है, तो इसको ऐसे बैठा दीजिएगा, गोविंद सागर पंजाब में है। नेक्स्ट है पंचपद्रा, ये पंच है, पंचपद्रा है राजस्थान में, तो पंच माने पंचायत या पंच लोग, तो राजा की एक कैबिनेट होती है, मंत्रिपरिषद होती है, तो एक प्रकार की पंचायत होती है जिसमें राजा सलाह मशविरा करता है, तो पंचपद्रा कहाँ है, राजस्थान में। नेक्स्ट है अंचार झील, तो ये जम्मू कश्मीर में, अनाचार को अत्याचार बैठा लीजिए, तो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी लोगों के साथ अत्याचार करते रहते हैं, बम विस्फोट कर देते हैं, किसी का अपहरण कर लेते हैं, मर्डर कर लेते हैं, इस प्रकार से अत्याचार अनाचार। नेक्स्ट है नक्की, नक्की झील राजस्थान में है, तो नक्की में नकार देना, तो राजा के आदेश को कोई भी नहीं नकार सकता, सबको उसका पालन करना ही पड़ता है, तो नक्की झील राजस्थान। नेक्स्ट है रेणुका झील, तो रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है, ये बैठा नहीं है, इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या इसका सही ट्रिक बैठेगी। वैसे इसको ऐसे बैठा सकते हैं कि रेणु एक लड़की है और हेमा उसके एक सहेली है हिमाचल में से, तो रेणु अपनी सहेली हेमा से चलने को कहीं कह रही है। नेक्स्ट है लूणकरनसर, तो ये राजस्थान में स्थित है, इसको भी बैठाना है। नेक्स्ट है सूरज कुंड, सूरज कुंड हरियाणा में स्थित है, तो इसमें है कि सूरज, सूरज की धूप जब लगती है तो पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना आहार बनाते हैं और वो हरे भरे रहते हैं, जिस पौधे को बिल्कुल धूप नहीं मिलती
वो पौधा मुरझा कर धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। तो सूरज कुंड, सूरज की धूप, हरियाणा। नेक्स्ट है पिछौला। तो पिछौला झील है राजस्थान में। तो पिछौला माने पीछा करना। तो एक राजा है युद्ध में, तो किसी दूसरे राजा का पीछा कर रहा है, दूसरा राजा हार के भाग रहा है। नेक्स्ट है डल झील। तो डल झील है कश्मीर में। डल माने एक डाल समझ लीजिए, पेड़ की डाल। मीर में से मर निकालिए, मर गया। तो कोई व्यक्ति पेड़ पर चढ़ा था, डाल से गिरकर मर गया। नेक्स्ट है मानस बल। तो मानस बल कश्मीर, जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बहुत ज़्यादा है। तो उस आतंकवाद को कैसे हराया जाता है? जब वहाँ के लोग साथ दें, यानी वहाँ के मानव यदि आतंकवादियों से लड़ने में सुरक्षा बलों का साथ दें, तो वहाँ आतंकवाद का आसानी से सफाया किया जा सकता है। नेक्स्ट है बेरी नागा और नागिन। ये दोनों जम्मू कश्मीर में हैं। तो यहाँ भी नाग है, यहाँ भी नाग है। तो नाग वर्ड दोनों में आता है। आप समझिए कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बहुत ज़्यादा है। तो आतंकवादी कैसे हैं? एक नाग के प्रकार हैं। जिस प्रकार से नाग किसी को डस लेता है और वो आदमी के मरने की संभावना है, तो उसी प्रकार आतंकवादी भी बम विस्फोट करके, अपहरण करके और सारे अत्याचार करके लोगों को सताते हैं। तो एक प्रकार वो नाग के समान है। नेक्स्ट बुलर झील है। तो बुलर झील तो सबको पता ही है, जम्मू कश्मीर में है। ये सबसे मीठी झील है भारत की। नेक्स्ट है हिमायत सागर। तो हिमायत सागर है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो एक प्रकार से अंधा व्यक्ति है, तो उसके हर लोग मदद करना चाहते हैं, तो उसके हर लोग पक्ष लेते हैं। कोई गलती भी हो गई तो कि जाने दीजिए, अंधा है बेचारा, गलती हो गई। तो हिमायत किसकी करते हैं लोग? अंधे व्यक्ति के। अब माला ताल है। तो माला ताल उत्तराखंड में, जितने भी ताल से आएंगे सारे उत्तराखंड में हैं। तो और भी हैं, आइए देखते हैं उनको। तो माला ताल के अतिरिक्त है राकस ताल, जहाँ सतलज निकलती है वहीं से राकस ताल से, नैनीताल, भीम ताल, डोडी ताल। ये सारे के सारे जिसमें ताल शब्द जुड़े हों वो उत्तराखंड में स्थित हैं। नेक्स्ट है सष्टम कोट्टा। सष्टम में से सस्त यानी सात शब्द निकल के आ रहा है, कोट्टा मैंने कटने का। तो रेल है केरल, केरल में है। तो रेलवे इसमें निकल के आ रही है। तो रेल से सात आदमी कट गए, क्योंकि रेलवे से बहुत से लोग कट जाते हैं, दुर्घटना हो जाती है। अभी जो ट्रेनें नहीं चल रही थी तो एमपी में कई लोग कट गए थे लॉकडाउन के दौरान। नेक्स्ट है चपनाला झील। तो चपनाला झील असम में है, असम में है। तो चपनाला, चपमन चप्पल, नाला ऐसे बैठाई, चप्पल नाले में गिर गया। कैसे गिर गया भाई? ऐसे गिर गया कि जमीन असम थी, असम में असम यानी समान नहीं थी, उबड़ खाबड़ थी। तो उसी पैर जो किसी गड्ढे में पड़ गया तो बैलेंस बिगड़ गया, तो उसका चप्पल गिर गया। तो चपनाला झील असम में है। नेक्स्ट है मानचीरा। तो मानचीरा केरल में है, इसको बैठा लीजिएगा। और कोई उचित यदि ट्रिक बैठे तो कमेंट करके हमें भी बताइएगा। नेक्स्ट है कुकरहल्ली, कर्नाटक। तो नाटक, नाटक कर रहा है कोई व्यक्ति, कुकर में हलने का, कि मैं कुकर में एंट्री कर जाऊंगा, नाटक दिखा रहा है, जादू दिखा रहा है। नेक्स्ट है बड़खल झील। तो बड़खल झील है हरियाणा में। तो इसमें देखिए बड़ से बड़े बड़े, खल माने खड़े, बड़े बड़े लोग भी खड़े रहते हैं। कहाँ खड़े रहे? हरियाणा, हरिमन भगवान के सामने। तो बड़े से बड़ा आदमी भी ईश्वर के सामने झुकता है, सिर झुकाता है, तो हरियाणा में। नेक्स्ट है चंदुबी, असम। तो चंद लोग डूबी, चंद डूबी, चंद लोग डूब गए। कहाँ डूब गए? पानी में, गड्ढे में या झील में। कैसे? क्योंकि वो झील असम थी, ऊंच नीच थी, और इसमें कई लोग डूब गए। नेक्स्ट है दीपोर, दीपोर असम। तो दीपोर में से दीप शब्द
निकल के आ रहा है, और असम में से आशा बैठा, ये आशा वर्ड होता है आशा। तो दीप लोग जला रहे हैं किसी चीज़ के आशा में, किसी चीज़ की चाहत में, किसी खुशी में वो लोग दीप जला रहे हैं, तो इसको ऐसे बैठा लीजिएगा। तो दोस्तों ये झीलों से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट थे, और भी कुछ झूलों संबंधी फैक्ट बाकी रह गए हैं, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में किसी दिन लेकर आएंगे। दोस्तों अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़े, और हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसको और भी कैसे बेहतर तरीके से किसी भी चीज़ को किया जा सकता है, तो हम उसके अनुसार आगे जो है प्रयास करेंगे। और वीडियो देखने के बाद आप लोग शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।